हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माइक्रोबायोलॉजी बाय संतोष नपते। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको सीएसआईआर नेट जेआरएफ एग्जाम के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डिमांड की थी कि सर एखादा लेक्चर इस एग्जाम के इन्फॉर्मेशन के बारे में लो करके। सो टुडे आई एम हियर to provide everything about the CSIR NET JRF exam so that you will get information and you will prepare for this exam accordingly। क्योंकि आपका जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, चाहे वो साइंस आर्ट्स कॉमर्स या फिर टेक्निकल एजुकेशन में हो, उसके बाद आपके मन में आपका जो करियर के बारे में जो भी क्वेश्चन है वो कुछ ना कुछ वहाँ पे शुरू हो जाते हैं। चलो ये करने के बाद हमारा करियर अच्छा हो सकता है, जॉब अच्छा मिल सकता है, तो ये पूरे क्वेश्चंस आपके मन में आ जाते हैं। और आपकी ये भी कुछ इच्छाएं रहती है कि चलो आई वांट टू डू माय पीएचडी इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और नेशनल इंस्टीट्यूट्स और सीएसआईआर इंस्टीट्यूट्स। उसके बाद अगर वहाँ पे पीएचडी करना है तो वी वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर सी एस आई आर नेट जे आर एग्जाम, या फिर उसे इस एग्जाम को क्लियर करना पड़ता है, पास होना पड़ता है अच्छी तरह से। और उसके बाद ये भी आपके मन में रहता है कि चलो अगर अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पी एच डी के लिए एडमिशन मिल जाए, तो उसी के साथ अगर कुछ अर्निंग हो जाए, मतलब चाहे दैट मे बी इन थ्रू दैट स्टाइपेंड और इट मे बी थ्रू दी दैट फेलोशिप। तो अगर ये पूरे क्वेश्चन आपके मन में है तो आप ये जो सी एस आई आर नेट जे आर एफ के बारे में जो वीडियो है ये आप पूरा देखिए। और जब आप मतलब इसमें पूरे की पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे दी है, क्योंकि हु कंडक्ट दिस एग्जाम दैट वी आर गोइंग टू सी एवरीथिंग अबाउट दिस एग्जाम हियर, सो इन नेक्स्ट स्लाइड। और उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब दिस माइक्रोबायोलॉजी बाय संतोष नपते so that you will get notifications of upcoming videos। So in next slide, that is see here in this video we will see everything about CSIR NET JRF exam। So what we are going to see here, so what is this CSIR NET JRF exam, then we will see what is this stipend for junior research fellowship and senior research fellowship, or in short it is called as JRF and SRF. Then we will see who conduct this CSIR NET JRF exam, then who can apply for this exam, then we will see subject of the test and upper age limit, what is the pattern of this exam, then we will see why to clear or pass this exam, then very important is when to start preparation of this exam, and then we will see what is its syllabus. Syllabus we will see in general, because for each subject the syllabus is different but it has the same pattern, that we will see here. So let's start with this first question which will take occur in your mind, and that is what is this CSIR NET JRF exam. So ye exam kya hai, CSIR NET JRF exam, to ye hai इसे जॉइंट सी एस आई आर यू जी सी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और नेट, एंड दिस एग्जाम इज कंडक्टेड फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड फॉर लेक्चरशिप। अगर आपको जे आर एफ करके कौन से इंस्टीट्यूट में जाना है या फिर लेक्चरशिप में आना है तो आपके लिए ये एग्जाम वहाँ पे है, जिसे कहते हैं जॉइंट सी एस आई आर यू जी सी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और साइंस के लिए इसे बोलते हैं सी एस आई आर नेट जे आर एफ एग्जाम। एंड ये जो एग्जाम कंडक्ट की जाती है, इट डिटरमाइंस द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स फॉर लेक्चरशिप इन इंडियन यूनिवर्सिटीज एज वेल एज कॉलेजेस। क्योंकि अगर आपको इंडियन यूनिवर्सिटीज में कौन से भी या फिर कॉलेजेस में एज अ लेक्चरशिप, एज ए लेक्चरर, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर जाना है तो आपके लिए ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, दैट इज यू हैव टू क्लियर और यू हैव टू पास दिस सी एस आई आर नेट एग्जाम। और अगर जूनियर रिसर्च फेलोशिप करके जाना है फॉर
सो यू हैव टू क्लियर दैट जेआरएफ, दैट इज द सेम एग्जाम। एंड अगर आपने ये एग्जाम क्वालिफाई की है, सो दोज हु क्वालिफाई फॉर जेआरएफ और जूनियर रिसर्च फेलो, दैट ही और शी विल ऑल्सो एलिजिबल फॉर लेक्चरशिप। मतलब दोनों के लिए अगर जेआरएफ उसने क्लियर किया है, क्वालिफाई किया है, तो लेक्चरशिप के लिए भी क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन अगर लेक्चरशिप के लिए क्वालिफाई किया है तो वो जेआरएफ के लिए क्वालिफाई रहेगा, ये कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि उसमें ज्यादा मार्क्स लगते हैं अगर आपको जेआरएफ करके क्वालिफाई होना है। रैंक आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए, देन यू विल क्वालिफाई फॉर जेआरएफ एग्जाम। एंड दिस एग्जाम इट इज अ नेशनल लेवल एग्जाम कंडक्टेड ट्वाइस इन अ ईयर। ये जो सीएसआईआर नेट जेआरएफ एग्जाम है, ये नेशनल लेवल की एग्जाम है और साल में दो बार एग्जाम होती है, एक जून मंथ में और उसके बाद वहां पे दिसंबर में ये एग्जाम होती है। सो दिस एग्जाम विल बी कंडक्टेड ट्वाइस इन अ ईयर। एंड इसका जो नोटिफिकेशन है, ये एग्जाम के दो तीन महीने पहले साधारणतः न्यूज़पेपर्स एंड इट इज आल्सो ऑन द एचआरडीसी वेबसाइट, न्यूज़पेपर ने या फिर एचआरडीसी वेबसाइट पे ये आता है। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरने पड़ते हैं और इसकी जो वेबसाइट है ये है www.csirhrdc.res.in, यहाँ पे एस होना चाहिए, res.in। और ये जो CSIR UGC प्रोवाइड, सो आफ्टर क्वालिफाइंग दिस CSIR नेट जेआरएफ, दैट CSIR इंस्टीट्यूट्स एंड UGC दे विल प्रोवाइड फेलोशिप, आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा, फेलोशिप दी जाएगी, एंड दैट फेलोशिप शुड बी यूज फॉर रिसर्च दैट इज अंडर द गाइडेंस ऑफ फैकल्टी मेंबर्स और साइंटिस्ट। और ये जो फैकल्टी मेंबर्स है, साइंटिस्ट है, दे आर वर्किंग इन यूनिवर्सिटी एज वेल एज इन और इन नेशनल इंस्टीट्यूट्स। तो ये, और जब आप क्वालिफाई हो जाएंगे दिस CSIR एग्जाम, सो लार्ज नंबर ऑफ जेआरएफ आर अवॉर्डेड टू द कैंडिडेट्स ईच ईयर बाय दिस CSIR और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, दैट इज CSIR। ये हो गया हमारा व्हाट इज दिस CSIR नेट जेआरएफ। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पे दिया है कि CSIR नेट जेआरएफ एग्जाम क्या है और क्वालिफाई होने के बाद आप जेआरएफ या फिर लेक्चरशिप को इलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद है जूनियर रिसर्च फेलोशिप स्टाइपेंड, क्योंकि आप जब जेआरएफ क्वालिफाई करोगे जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तब आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा जिसे बोलते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप स्टाइपेंड। एंड इफ यू आर सिलेक्टेड थ्रू दिस CSIR UGC नेट एज अ जेआरएफ, तब आपको 25,000 पर मंथ पहले दो ईयर के लिए आपको ये फेलोशिप दी जाएगी, आपको ये स्टाइपेंड दिया जाएगा 25,000 पर मंथ। और उसके बाद जो एनुअल कंटिजेंट ग्रांट भी दिया जाएगा 20,000 पर फेलो, एक फेलो के पीछे 20,000 का ग्रांट वहां पे दिया जाएगा, दैट इज टू यूनिवर्सिटी और टू द इंस्टीट्यूशन। नाउ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टू ईयर्स एज अ जेआरएफ, जब आपके शुरुआत के दो साल एज अ जेआरएफ करके कंप्लीट हो जाएंगे, सो अगर आपने PhD के लिए रजिस्टर्ड किया है उसी इंस्टीट्यूट में, तो यूअर फेलोशिप विल बी अपग्रेडेड टू SRF, दैट इज सीनियर रिसर्च फेलो। आपका यहाँ पे प्रमोशन हो जाएगा, आपका यहाँ पे अपग्रेडेशन हो जाएगा एज अ सीनियर रिसर्च फेलो करके, और आपकी जो फेलोशिप मिल रही थी, आपका जो स्टाइपेंड मिल रहा था 25,000 पर मंथ, वो बढ़ा के अब हो जाएगा 28,000 पर मंथ, एंड दैट इज फॉर थर्ड एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स। मतलब तीसरे साल के लिए आपका, अगर आपने रजिस्टर्ड किया है PhD को, तो आपका जो स्टाइपेंड है वो 25,000 पर मंथ से बढ़कर 28,000 पर मंथ हो जाएगा, और आपका ये हो जाएगा शुरुआत थर्ड ईयर से एंड आफ्टर दैट ईयर्स सब्सिक्वेंट ईयर्स। और उसके बाद इफ कमिटी नॉट रिकमेंड अपग्रेडेशन, SRF खत्म होने के बाद, क्योंकि आपका पूरी कमिटी वहां पे मतलब छान हो जाएगी कि आपने अच्छा काम किया है या फिर आप इलिजिबल है अपग्रेडेशन के लिए या नहीं है, तो अगर कमिटी ने रिकमेंड नहीं किया है तो आपको SRF मिल जाएगी। लेकिन इफ कमिटी नॉट रिकमेंड अपग्रेडेशन और देन दैट फेलो हैज नॉट रजिस्टर्ड फॉर PhD और PhD के लिए भी रजिस्टर नहीं किया है, तो आपकी जो JRF है 25,000 पर मंथ, वो आपके थर्ड ईयर के लिए कंटिन्यू रहेंगी, और दैट फेलोशिप में बी टर्मिनेटेड डिपेंडिंग अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी।
कमिटी के जो भी रिकमेंडेशन ले रहेंगे, अकॉर्डिंगली आपकी जो ये फेलोशिप है ये कंटिन्यू रह सकती है या फिर टर्मिनेट हो सकती है, दैट इज डिपेंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी एंड डिसीजन ऑफ द सीएसआईआर। ओके, सो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट, दैट इज जूनियर रिसर्च फेलो स्टाइपेंड। मतलब आपको एज अ जेआरएफ 25,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिल जाएंगी एंड एज अ एसआरएफ 28,000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिल जाएगी। उसके बाद है तीसरा जो पॉइंट है हमारा, हु कंडक्ट दिस सीएसआईआर नेट जेआरएफ एग्जाम। अभी ये एग्जाम कौन लेता है? साल में दो बार एग्जाम होती है, नाउ वी नो दैट, एक तो जून में एग्जाम होती है और उसके बाद होती है दिसंबर में। लेकिन हु कंडक्ट दिस सीएसआईआर नेट जेआरएफ एग्जाम? सो देयर इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ग्रुप एंड काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज सीएसआईआर। सो दिस इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, दैट इज इन फ्रंट कॉम्प्लेक्स, दैट इज सीएसआईआर कॉम्प्लेक्स, लाइब्रेरी एवेन्यू, पूसा, न्यू दिल्ली। दिस इज एड्रेस। एंड एक्चुअली दिस सीएसआईआर और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज सीएसआईआर, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सितंबर 1942 एज अ ऑटोनोमस बॉडी एंड इट इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड अप टू 2013। नाउ दिस सीएसआईआर इट इज रनिंग 38 लेबोरेटरीज और इंस्टीट्यूट्स, देन 39 सेंटर्स, 3 इनोवेशन सेंटर्स एंड 5 यूनिट्स थ्रू आउट द इंडिया। एंड द कलेक्टिव स्टाफ ऑफ नियर अबाउट और मोर देन 40,000, इंक्लूडिंग टोटल ऑफ 4,600 साइंटिस्ट एंड 8,000 टेक्निकल एंड सपोर्टिव स्टाफ। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट दैट इज अबाउट दिस सीएसआईआर, हु कंडक्ट दिस सीएसआईआर नेट जेआरएफ एग्जाम। एक्चुअली इन्होंने मतलब ये एक एजेंसी है नेशनल लेवल पे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इनके द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट की जाती है, दैट इज एनटीए के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कंडक्ट की जाती है। लेकिन दिस इज द मेन बॉडी, दैट इज सीएसआईआर, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। सो ये हो गया हमारे हु कंडक्ट दिस सीएसआईआर नेट जेआरएफ एग्जाम। उसके बाद है अभी इस एग्जाम को कौन अप्लाई कर सकता है या फिर कौन से जो कैंडिडेट्स है जो कि इस एग्जाम को अप्लाई कर सकते हैं या फिर ये एग्जाम को दे सकते हैं। तो ये है, अगर आपने एमएससी आपका हुआ है या फिर आप अपीयर हो और इक्विवेलेंट डिग्री इंटीग्रेटेड बीएस, बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस इंटीग्रेटेड, मतलब एक बार आपने बीएस को एडमिशन लिया तो आप एमएस होके ही वहां पे बाहर पढ़ोगे, देन 4 साल का बीएस का कोर्स, बीई, बीटेक, बीफार्म, एमबीबीएस विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, इसमें आपको कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, अनरिजर्व कैटेगरी से हो और ओबीसी कैटेगरी से हो। अगर आप एससी एसटी हो, एससी एसटी कैटेगरी से हो या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी की कैंडिडेट आप हो तो आपको मिनिमम 50% मार्क्स यहाँ पे चाहिए। और दोज कैंडिडेट्स हु आर एनरोल्ड फॉर एमएससी और दे कंप्लीटेड देयर 10+2+3 ईयर्स ऑफ एग्जामिनेशन ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन, मतलब ऑनलाइन सबमिशन के वक्त आप एमएससी में हो, अपीयर हो, तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जाम अंडर द रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी। और यहाँ पे कंडीशन है, रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो एक कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी कि आप यू मस्ट हैव टू कंप्लीट द क्वालिफाइंग डिग्री विथ रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स विद इन द वैलिडिटी पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद 2 साल के अंदर आपको मिनिमम जो क्वालिफिकेशन चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर इंटीग्रेटेड बीएसएमएस, वो आपको क्वालिफाई करनी पड़ेगी। और हॉनर्स के लिए भी यहाँ पे एमएस पीएचडी इंटीग्रेटेड स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है और 55% मार्क्स फॉर जनरल ओबीसी कैटेगरी एंड 50% मार्क्स फॉर एससी एसटी और पर्संस विथ डिसेबिलिटी। तो ये सब स्टूडेंट्स यहाँ पे इस सीएसआईआर नेट जेआर एग्जाम को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये आपके समझ में आया होगा कि आप आपकी क्वालिफिकेशन देख के इस एग्जाम को अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते, ये आपके समझ में आया होगा। ओके, सो लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि
अगर इस एग्जाम को अप्लाई करना है या अपियर होना है तो कौन सी क्वालिफिकेशन वाले स्टूडेंट्स इस एग्जाम को अप्लाई कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है सब्जेक्ट ऑफ द टेस्ट एंड अपर एज लिमिट। अभी अगर हम सीएसआईआर नेट जेआरएफ के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सीएसआईआर के द्वारा कौन से सब्जेक्ट में ये एग्जाम कंडक्ट की जाती है। तो यहाँ पे पांच सब्जेक्ट हैं, केमिकल साइंसेस, अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशियन एंड प्लैनेटरी साइंसेस, उसके बाद लाइफ साइंसेस, मैथमेटिकल साइंसेस एंड फिजिकल साइंसेस। तो सीएसआईआर कंडक्ट दिस सीएसआईआर नेट जेआरएफ एग्जाम इन फाइव दिस सब्जेक्ट है। सो केमिकल साइंस, अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशियन एंड प्लैनेटरी साइंसेस, लाइफ साइंसेस, मैथमेटिकल साइंसेस एंड फिजिकल साइंसेस। और इसके लिए जो अपर एज लिमिट है, अगर आपको जेआरएफ नेट के लिए अप्लाई करना है तो आपके लिए मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो है 28 ईयर्स, क्योंकि 28 ईयर्स के या फिर 28 ईयर्स तक आप एग्जाम जेआरएफ को अप्लाई कर सकते हो। और दिस अपर एज लिमिट जो है 28 ईयर्स, इट मे बी रिलैक्सेबल अप टू 5 ईयर्स इन केस ऑफ एससी एसटी और पर्संस विथ डिसेबिलिटी एंड फीमेल एप्लीकेंट्स। मीन्स इफ यू आर बिलोंगिंग टू एससी और एसटी कैटेगरी, इफ यू आर बिलोंगिंग टू विथ पर्संस विथ डिसेबिलिटी और इफ दैट एप्लीकेंट और दैट कैंडिडेट इज फीमेल, देन देर इज 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन विल बी देयर। मीन्स दिस स्टूडेंट्स दे कैन अप्लाई अप टू देयर 33 ईयर्स ऑफ एज। ओके, एंड देर इज 3 ईयर्स एज रिलैक्सेशन देयर इन केस ऑफ ओबीसी नॉन क्रिमिलियर एप्लीकेंट्स और कैंडिडेट्स। मीन्स इफ यू आर बिलोंगिंग टू ओबीसी कैटेगरी नॉन क्रिमिलियर कैटेगरी में, तो आपके लिए यहाँ पे 3 साल का रिलैक्सेशन है। मीन्स यू कैन अप्लाई फॉर जेआरएफ अप टू 31 ईयर्स ऑफ योर एज। ओके, सो दिस इज दी अपर एज लिमिट फॉर जेआरएफ। और लेक्चरशिप के लिए आप यहाँ पे कोई अपर एज लिमिट नहीं है, मतलब आप अगर 50 ईयर्स के भी होंगे तो भी आप इस एग्जाम को अप्लाई लेक्चरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जेआरएफ की जो एज लिमिट है, अपर एज लिमिट, वो मैक्सिमम 28 ईयर्स है और रिलैक्सेबल है एससी एसटी और पर्सन विथ डिसेबिलिटी एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 साल के लिए, और ओबीसी नॉन क्रिमिलियर कैंडिडेट्स के लिए है 3 साल के लिए। तो ये हो गई अपर एज लिमिट। उसके बाद अभी इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ दिस एग्जाम। तो यहाँ पे एग्जाम जो कंडक्ट की जाती है ये 2 सेशन में की जाती है, मॉर्निंग सेशन एंड आफ्टरनून सेशन। मॉर्निंग सेशन में जो सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट की एग्जाम कंडक्ट की जाती है, वहां पे लाइफ साइंसेस एंड फिजिकल साइंसेस, और टाइमिंग रहता है 9 AM to 12 noon। ये चेंज हो सकता है लेकिन जनरली दैट एग्जाम ड्यूरेशन ऑफ दिस एग्जाम इज 3 आवर्स और टोटल मार्क्स जो है वो है 200 मार्क्स। सो दिस एग्जाम इट इज फॉर 200 मार्क्स एंड द ड्यूरेशन इज 3 आवर्स। एंड आफ्टरनून सेशन में जो सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट की एग्जाम कंडक्ट की जाती है उसमें है केमिकल साइंसेस, मैथमेटिकल साइंसेस, अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशियन एंड प्लानिटरी साइंसेस। तो ये हो गया है पैटर्न ऑफ दिस सीएसआईआर नेट जेआरएफ एग्जाम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे अगर हम लाइफ साइंस का पैटर्न देखेंगे यहाँ पे या फिर स्कीम देखेंगे, तो जो क्वेश्चन पेपर आपका रहता है इस एग्जाम का, चाहे वो साइंस के कौन से भी सब्जेक्ट का हो, जनरल नियर अबाउट दैट पैटर्न इज सेम। तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में 3 पार्ट रहेंगे, एक रहेगा पार्ट ए, उसके बाद पार्ट बी एंड पार्ट सी। ओके, टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे पार्ट ए में वो रहेंगे 20 क्वेश्चंस, उसमें से आपको 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, कौन से भी 15 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो, और मार्क्स पर क्वेश्चन जो है वो है 2 मार्क्स और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है। सो 0.5 मार्क्स विल बी माइनस फ्रॉम योर स्कोर इफ यू हैव गिवन रॉन्ग आंसर, मतलब अगर एक क्वेश्चन का आंसर आपने रॉन्ग दिया तो आपके 0.5 मार्क्स वहां पे माइनस हो जाएंगे। ओके, तो ये आपको ख्याल में रखना है। पार्ट बी में टोटल क्वेश्चंस जो रहेंगे वो 50 क्वेश्चंस रहेंगे और उसमें से आपको 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, और मार्क्स जो रहेंगे हर एक क्वेश्चन को, तो 2 मार्क्स यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे भी निगेटिव मार्किंग है 0.5,
मतलब इसमें भी पार्ट बी में भी अगर आपने एक क्वेश्चन का आंसर वहां पे रॉन्ग किया या फिर रॉन्ग दिया तो आपका 0.5 मार्क्स वहां पे, मतलब आधा मार्क्स आपका वहां पे माइनस हो जाएगा। अगर आपने दो क्वेश्चंस का आंसर आपने रॉन्ग दिया तो आपका यहाँ पे 1 मार्क वहां पे माइनस हो जाएगा। ओके, और पार्ट सी जो है वो है टोटल क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे 75 क्वेश्चंस, और उसमें से आपको 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, और यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को 4 मार्क है, और निगेटिव मार्किंग यहाँ पे बढ़ गई है। अगर आपने एक निगेटिव मार्क क्वेश्चन आंसर आंसर रॉन्ग किया तो आपके 1 मार्क यहाँ पे माइनस हो जाएगा। पहले दो पार्ट में, पार्ट ए एंड बी में 0.5 0.5 थे, लेकिन पार्ट सी में अगर आपने एक भी क्वेश्चन वहां पे रॉन्ग सॉल्व किया तो आपके यहाँ पे 1 मार्क माइनस हो जाएगा। तो इन दिस वे, इफ यू आर अटेम्प्टिंग 4 क्वेश्चंस इन रॉन्ग वे, सो देर विल बी 4 मार्क्स विल बी माइनस फ्रॉम योर टोटल स्कोर। ओके, सो इन दिस सेक्शन, तो इसी तरह से टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे इस पेपर में तो 140 क्वेश्चंस वहां पे रहेंगे, उसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं 75, दैट इज 15 फ्रॉम पार्ट ए, 35 फ्रॉम पार्ट बी एंड 25 फ्रॉम पार्ट सी। इन दिस वे 75 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है, और मार्क्स जो रहेंगे टोटल वो रहेंगे आपको 200 मार्क्स। तो ये 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा, और नियर अबाउट दैट एग्जाम पैटर्न और दैट मार्किंग स्कीम इज सेम फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। ओके, सो दिस इज अबाउट दी दैट एग्जाम पैटर्न और दैट इज द पैटर्न ऑफ दिस एग्जाम ईयर। उसके बाद है व्हाई टू क्लियर दिस एग्जाम। ये तो पहले ही मैंने बता दिया आपको कि अगर आपको अच्छे इंस्टीट्यूट में पीएचडी करना है, या फिर स्टाइपिंग आपको चाहिए, फेलोशिप का आपको चाहिए, या फिर लेक्चरर एज असिस्टेंट प्रोफेसर करके आपको टीचिंग फील्ड में आना है, तो इसी के लिए आपको ये एग्जाम क्लियर होनी चाहिए, आपको इस एग्जाम में पास होना चाहिए। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर एमिंग टू डू पीएचडी इन सीएसआईआर इंस्टीट्यूट्स और नेशनल इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज। इफ यू आर एमिंग टू बिकम अ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस, और इफ यू आर थिंकिंग अबाउट दैट स्टाइपेंड और फेलोशिप बाय सीएसआईआर, देन यू हैव टू क्लियर दिस सीएसआईआर नेट जेआरएफ एग्जाम। ओके, और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हेन टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर दिस एग्जाम, इस एग्जाम का प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करना है। ओके, तो बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि चलो एमएससी कंप्लीट होने के बाद एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, बाद में सिलेबस देखेंगे, फिर क्वेश्चन पेपर बाद में देखेंगे। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की थिंकिंग है, लेकिन मेरे ख्याल से जब आपका कौन से भी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स को, एमएससी को एडमिशन हो जाएगा, या फिर अगर आप टेक्निकल कोर्सेज में, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ कोर्सेज बताए कि बीएस, एमएस या फिर इंटीग्रेटेड कोर्स, तो जब भी आपकी एडमिशन वहां पे हो जाएगी उसी वक्त आपको इस एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए। और जो आपकी रेगुलर पढ़ाई जो है, जो आपका रेगुलर सिलेबस है आपका एमएससी का, चाहे वो लाइफ साइंसेस हो, केमिकल साइंसेस हो, फिजिकल साइंसेस हो, मैथमेटिकल साइंसेस हो, ये जो सिलेबस आपका रेगुलर सिलेबस है इसकी पढ़ाई आप अच्छी तरह से करो, क्योंकि यही सिलेबस आपको यहाँ पे, दो दे आर गिविंग सेपरेट सिलेबस फॉर दिस सीएसआईआर नेट जेआरएफ, बट वो जो सिलेबस रहता है वो इसी से रहता है। सो यू हैव टू प्रिपेयर योर रेगुलर सिलेबस वेरी प्रॉम्प्टली विथ हार्ड वर्क, तो उसका कुछ ना कुछ फायदा यहाँ पे आपको हो जाएगा। बाद में इस सीएसआईआर नेट जेआरएफ के ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखना, कुछ नोट्स मार्केट में अवेलेबल है उसके बारे में मैं आपको सेपरेट वहां पे वीडियो में बताने वाला हूँ कि रेफरेंस बुक कौन सी यूज करनी चाहिए, या फिर किस तरह की पढ़ाई करनी चाहिए नेट जेआरएफ के लिए। लेकिन रेगुलर पढ़ाई में आप अच्छी तरह से पढ़ाई करो, उसका फायदा आपको इस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए हो जाएगा। और नेक्स्ट है, तो मेरे ख्याल से या फिर बेटर आपको ये रहेगा कि जब भी आपका एडमिशन कौन से भी पीजी कोर्स को या फिर पर्टिकुलर कोर्स को हो जाएगा, तभी से आपको इस एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए। ओके, और उसके बाद है सिलेबस, व्हाट इज इट्स सिलेबस। अभी ये जनरल सिलेबस मैंने यहाँ पे दिया है, क्योंकि हर एक फिजिकल साइंस का सब्जेक्ट सिलेबस वहां पे अलग रहेगा, केमिकल साइंस का सब्जेक्ट वहां पे अलग रहेगा, लाइफ साइंसेस का सब्जेक्ट यहाँ पे अलग रहेगा, लेकिन ये जनरल सिलेबस यहाँ पे मैंने दिया है।
कि जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे थ्री पार्ट्स रहेंगे, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। ओके, और पार्ट ए जो रहेगा ये इट इज कॉमन टू ऑल सब्जेक्ट, चाहे वो केमिकल साइंसेस का हो, चाहे वो फिजिकल साइंसेस का हो, चाहे वो लाइफ साइंसेस का हो, चाहे वो अर्थ साइंसेस का हो, चाहे वो मैथमेटिकल साइंसेस का हो, सभी के लिए ये पार्ट ये जो है ये कॉमन है। एंड दिस पार्ट कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम जनरल एप्टीट्यूड विथ एम्फेसिस ऑन लॉजिकल रीजनिंग, ग्राफिकल एनालिसिस, एनालिटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन, सीरीज फॉर्मेशन एंड पजल्स। तो ये आपका जनरल है। पार्ट बी रहेगा सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज एंड दे कवर द टॉपिक्स गिवन इन द सिलेबस। मतलब पार्ट बी में जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके सिलेबस के रिलेटेड रहेंगे, लेकिन इसकी डिफिकल्टी लेवल थोड़ी कम रहेगी। और पार्ट सी में जो क्वेश्चन रहेंगे दैट कंसिस्ट ऑफ हायर वैल्यू क्वेश्चंस दैट चेक द कैंडिडेट्स नॉलेज ऑफ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स एंड एप्लीकेशन। मतलब आपको यहाँ पे एनालिटिकल क्वेश्चन या एनालिटिकल प्रिपरेशन करना चाहिए ताकि आपका ये जो पार्ट सी है वो आपको इजी जाएगा। ओके, सो इन दिस वे। और इसके बारे में तो ये हो गया सिलेबस ऑफ द टेस्ट इन शॉर्ट। और मेरा जो अगला वीडियो जो रहेगा उसमें मैं कोशिश ये करूंगा कि लाइफ साइंसेस के बारे में उसका सिलेबस जो है वो डिस्कस करूंगा लाइफ साइंसेस का, और उसके बाद प्रिपरेशन कैसे करना है और कौन से बुक्स वहां पे रेफर करना है, कौन से नोट्स वहां पे रेफर करना है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो अगेन आई विल लाइक टू टेल यू दैट इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल सो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दे विल नो अबाउट दिस सी एस आई आर नेट जे आर एफ एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।